मोहम्मद आमिर अपने पीक में, अपनी पीक पे मोहम्मद आमिर बहुत ही बड़े बॉलर थे बॉस, पर आधी पीक तो उनकी। आ गया टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बॉलिंग में, जिसका रहा है जबरदस्त टशन। एशिया कप 2016 में ठाया था कहर, अब है तैयार T20 वर्ल्ड कप में करने को वार। मोहम्मद आमिर वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा को आउट किया था, 2019 के वर्ल्ड कप में भी। आमिर भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकते हैं क्योंकि 2017 में चैंपियंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आमिर की वापसी ने पैनिक क्रिएट कर दिया है भारतीय टीम में, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम में यही वो बंदा था जिसने पाकिस्तान टीम को एक जबरदस्त बूस्ट दिलवाया, और दोस्तों फाइनल में पाकिस्तान टीम सरफराज की कप्तानी में जाकर जीत जाती है। अब पाकिस्तान टीम में एक तरफ तो बाबर आजम है जिन्होंने 10 विकेटों से भारत को हराया हुआ है, दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर है जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हुई है, और दोस्तों हमाद वसीम है जो जबरदस्त ऑलराउंडर है। पाकिस्तान की ये टीम अब वो टीम बनती जा रही है जो 2017 में आपको दिखने वाली थी, इसलिए अब जो भी भारतीय मीडिया या एंकर ये बात कर रहा है तो उनकी जबान में यही आता है ये वही प्लेयर है जिसने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए चैंपियन ट्रॉफी भारत के मुँह से खींच दी थी। दोस्तों भारतीय टीम उस वक्त भी किसी टीम से नहीं हारी थी, फाइनल में आकर पाकिस्तान टीम से हार गई और पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। अब पाकिस्तान टीम के लिए एक तो बड़ा वर्ल्ड कप आने वाला है T20 का वर्ल्ड कप, और उसके बाद आने वाली है चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में ही होगी, और दोस्तों पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है उसके लिए भी पाकिस्तान की टीम यही होने वाली है जो अब आपको T20 वर्ल्ड कप में देखेगी, जिसमें मोहम्मद आमिर और बाबर आजम और हमाद वसीम जो क्रिटिक है जो एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं वो आपको एक जगह पर खेलते हुए दिखाई देंगे, और ऐसा लग रहा है कि उनकी दुश्मनी की दीवार पिघल कर पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिए एक हो गए हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों पाकिस्तान टीम को हराने का ख्वाब जो भारत लेकर घूम रहा है वो टूट जाएगा, क्योंकि ये वो टीम है जो पाकिस्तान की जिसने भारत को हराया हुआ है, फाइनल में हराया हुआ है, वर्ल्ड कप में हराया हुआ है, ये वो टीम बन जाएगी जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जाकर भारत को रोक कर T20 वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। दोस्तों पाकिस्तान टीम का 2022 में भी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान टीम बहुत बुरा खेल रही थी लेकिन दोस्तों वही पाकिस्तान टीम आपको फाइनल में जाती हुई दिखाई दी, और फिर फाइनल में जाकर पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को भी टफ फाइट दी थी। दोस्तों आगे भी चलते हैं, आगे आपको सुनाते हैं कि मोहम्मद आमिर की वापसी ने कितना बड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। या उस दौर का एशिया कप याद कीजिए, मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन को बहुत परेशान किया था, और उस दौर में अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी हार हुई थी तो उसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि मोहम्मद आमिर भारतीय बल्लेबाजों को हमेशा पाकिस्तान के बल्लेबाजों से हाई प्रेज करते हैं। तमाम इंटरव्यूज हमने देखे हैं जहां पर सोशल मीडिया पर वो कहते नजर आए कि बाबर आजम से ज्यादा विराट कोहली को पसंद करते हैं, रिजवान से ज्यादा वो रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, गेंदबाजी में शाहीन के ऊपर वो बुमराह को देखते हैं, और ऐसे तमाम स्टेटमेंट के चलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे। लेकिन बाबर आजम का दौर बदल चुका है, और इस बदले दौर में कल इमाद वसीम ने वापसी की, और अब मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट को वापस ले लिया है। पीसीबी के जो नए चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनकी तरफ से जिस तरह से टीम बनाई जा रही है ये शायद पाकिस्तान को लेकर या पाकिस्तानियों के जहन में एक ड्रीम T20 वर्ल्ड कप की टीम जो है वो बनाई जा रही है। मोहम्मद आमिर इस टीम के बाद जब उन्होंने ये रिटायरमेंट का ऐलान वापस लिया तो सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बारे में जानकारी दी। मोहम्मद आमिर लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान की ओर से खेलने का साल भी बैन भी झेल चुके हैं, जेल जा चुके हैं, और आप सब जानते हैं उसके पीछे की वजह मैच फिक्सिंग थी। हालांकि आमिर के साथ एक और नाम जो काफी चर्चा में है वो है इमाद वसीम का। मोहम्मद आमिर से पहले इमाद वसीम ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार फिर खेलने का फैसला किया, इमाद ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था, और अब T20 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जताई है। वो भी आमिर की तरह आने वाली सीरीज में, चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज हो, आयरलैंड की सीरीज हो, या न्यूजीलैंड का जो होम सीरीज है, इन तमाम सीरीज में वो खेलते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद हो सकता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो इन दोनों को वर्ल्ड कप में भी खेलने का मौका मिले। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर आपको पाकिस्तान की एक लीथल बॉलिंग अटैक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में अब आपको नसीम शाह नजर आते हैं, आपको शाहीन शाह अफरीदी नजर आते हैं, आपको मोहम्मद हैरिस नजर आते हैं, इन तीनों के साथ मोहम्मद आमिर भी नजर आते हैं। जमान खान, अब्बास अफरीदी हो, मोहम्मद अली हो, या नसीम के भाई हुनैन हो, और भी कई सारे गेंदबाज हैं, एहसानुल्लाह हो, ये भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में दमखम रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान टीम के लिए टॉप 4 बॉलर चुनना या टॉप 3 तेज गेंदबाज चुनना अब मुश्किल होगा। का सबसे बड़ा दुश्मन बॉलिंग में, जिसका रहा है जबरदस्त टशन। एशिया कप 2016 में ठाया था कहर, अब है तैयार T20 वर्ल्ड कप में करने को वार।
बेहद फिल्मी है इस खिलाड़ी की कहानी। फिक्सिंग से रिटायरमेंट, फिर यूटर्न, ऐसी रही जिंदगानी। क्रिकेट वर्ल्ड में इन दिनों सभी टीमें T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में लगी हुई है। एक दूसरे T20 वर्ल्ड कप का आगाज इस बार वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में हो रहा है। तमाम फैंस को उनकी टीमों के स्क्वाड का भी बेसब्री से इंतजार है। हर कोई अपने चाहते खिलाड़ी को अपनी टीम में देखना चाहता है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी T20 वर्ल्ड कप को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। पहले तो सभी खिलाड़ियों की फिटनेस ठीक करने के लिए पाक आर्मी ने ट्रेनिंग कैंप लगाया। इसके बाद पाकिस्तानी टीम 18 अप्रैल से कीवी टीम के खिलाफ T20 सीरीज भी खेलेगी। उसके लिए उनके स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन अहम बात तो ये रही कि इस पाकिस्तानी स्क्वाड में एक घातक खिलाड़ी की एंट्री हो गई है, जिसने टीम इंडिया के खिलाफ माजी में अपनी घातक बॉलिंग से कहर ढाया था। कहा जाए तो उस खिलाड़ी की कहानी फिल्मी रही है। इस खिलाड़ी ने 17 की उम्र में किया था डेब्यू, फिर फिक्सिंग में हुआ था बैन, फिर की वापसी और फिर किया था रिटायरमेंट का ऐलान। अब T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले इसने यूटर्न लेते हुए पाकिस्तानी टीम में वापसी कर ली है। जी हां, ये खिलाड़ी कोई और नहीं, पाकिस्तान के पेस बॉलर मोहम्मद आमिर है, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पाक टीम में जगह मिली है। साफ है कि ये T20 वर्ल्ड कप से पहले पाक टीम की तैयारी है। अहम बात एक और ये है कि फिर से बाबर आजम के हाथों में टीम की कमान है, लेकिन इस बार आमिर भी उनकी टीम में होंगे। कीवी टीम के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए मोहम्मद आमिर को पाक टीम में चुना गया है। बीते कुछ दिनों पहले मोहम्मद आमिर ने अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया था और फिर से पाक टीम के लिए खेलने की इच्छा जाहिर की थी। लगभग 4 साल के बाद आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी T20 मुकाबला अगस्त 2020 में खेला था। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर मोहम्मद आमिर भारत के लिए क्यों खतरनाक है। तो सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। साल 2016 में एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ मैच में मोहम्मद आमिर ने काफी खतरनाक बॉलिंग की थी। इस मैच में आमिर को खेल पाना टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इस मैच में आमिर ने रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को बिना खाता खोले पवेलियन वापस भेजा था। मैच में आमिर ने 4 ओवर में महज 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। मोहम्मद आमिर ने भारत को साल 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी काफी परेशान किया था। उनकी वजह से ही पाकिस्तान की टीम फाइनल में टीम इंडिया को हरा पाई थी। आमिर कई बार टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के लिए खतरा बन चुके हैं। जाहिर है ऐसे में उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद आमिर की वापसी से पाक टीम का बॉलिंग अटैक खतरनाक हो जाएगा। टीम में पहले से ही शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे बॉलर हैं। वहीं आमिर की एंट्री से एक बार फिर से इन तीनों की तिकड़ी T20 वर्ल्ड कप में कहर ढा सकती है। खासकर ये तीनों किसी भी बैटिंग लाइनअप को बिखेरने की पूरी काबिलियत जरूर रखते हैं। हाँ, आमिर की भले ही पाक टीम में एंट्री हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उन्हें वो पुरानी धार भी दिखानी होगी, तब जाकर उन्हें T20 वर्ल्ड कप में पाक टीम के स्क्वाड में जगह मिल पाएगी। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आमिर एक जबरदस्त गेंदबाज है और उन्हें कमबैक करना आता है। पहले भी वो ऐसा कर चुके, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो उन खिलाड़ियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इस स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों के कमबैक हो रही है। मोहम्मद आमिर जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार रहे थे, खासकर अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के स्टार रहे थे, उनकी टीम में एक बार फिर कमबैक हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के सेटअप में जितने भी प्लेयर्स थे उनसे बेहतर गेंदबाजी करके दिखाई मोहम्मद आमिर ने PSL में। अब अगर बात करें और भी खिलाड़ियों की जिनकी वापसी हो रही है, शादाब खान की वापसी हो रही है, जिन्हें ODI वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया था, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बीच वर्ल्ड कप में ड्रॉप भी कर दिया गया था, तो शादाब खान की अब फाइनली वापसी हो चुकी है। क्योंकि इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया शादाब खान की टीम ने, और जिस वजह से वहां पर शादाब की भी जगह बन चुकी है। एंड इवन इमाद वसीम, क्योंकि बड़े इकोनॉमिकल चल रहे थे पूरे PSL में, बहुत तगड़ी गेंदबाजी कराई, विकेट टू विकेट बॉलिंग करा रहे थे, इवन बैटिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, उनकी भी कमबैक टीम में हो चुकी है। एंड इवन इंजर्ड नसीम शाह वो भी वापस आ चुके हैं। करके आपको बता दें कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है इस बार न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। तो न्यूजीलैंड के सामने आपको T20 श्रृंखला खेलनी है, जो कि 18 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यहाँ पे देखिए, बाबर आजम बहुत समय से उनके आगे कप्तान नहीं दिख रहा था, फाइनली कप्तान वापस बन चुके हैं, कप्तान की वापसी हो चुकी है। आगे देखिए, मोहम्मद रिजवान लग रहा था पोटेंशियल कैप्टन ही होंगे, पर जब किस्मत साथ नहीं होती है ना, तो यही होता है कि आप सिर्फ टीम के खिलाड़ी रह जाते हो और आपके बारे में बहुत बातें बहुत होती है कि आप अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन वही बात है कि आपको कप्तानी नहीं मिलती है। सबसे योग्य है पर योग्यताओं को यहाँ पे पहचाना ही नहीं जा रहा है। आगे देखिए, सेम अयूब, यंग टैलेंट आपके पास, उस्मान खान हो गए, इफ्तिकार इफ्तिचू जहां पे बहुत तगड़े हिट्स लगा रहे थे, आजम